जब मैं ये फिल्म लिखना शुरू की तो मुझे लगा धीरे धीरे वो म्यूज़िक जो हिंदी फिल्मों का म्यूज़िक होता था जिसमें कहानी के साथ म्यूज़िक जुड़ा होता था, एक एक सिचुएशन, एक कैरेक्टर के एक मोटिवेशन कोई भी, और आज भी वो पुरानी फिल्मों का म्यूज़िक जो बड़े बड़े दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स राइटर्स ने लिरिसिस्ट जो लिख के गए हैं वो अभी भी क्यों बचता है, देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, बिकॉज उसका एक कारण था उस म्यूज़िक का उस फिल्म में, मतलब वो ऐसे पिरोया जाता था, जो मुझे लगता है कि आज की फिल्मों से जा रहा है या जा चुका है, आई डोंट नो, कि म्यूज़िक है लेकिन उसको फिल्म से क्या लेना देना है वो समझ में नहीं आता। तो वो मेरा एक मोटिवेशन था कि एक ऐसी कहानी लिखूँ जिसमें हिंदू फिल्मों का वो दौर वापस लाया जाए, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर, एक लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर, ये सब इन्वॉल्व होकर एक फिल्म का एल्बम म्यूज़िक तैयार करें। तो ये कहानी वही है, एक प्लेबैक सिंगर की कहानी है, 90s की फिल्म है जिसमें वो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत नाम और शोहरत कमाना चाहती है। तो ये वो कहानी है और ये मेरा इंस्पिरेशन रहा है।